पर पूरे देश की तरह दमों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पहुंचकर फटाके फोड़े और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने इस भारी जीत का श्रेय मोदी और जनता को दिया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव, नगर पालिका अध्यक्ष मालती साठी एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। वहीं दमोह पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी इस जीत को जनता की जीत बताया। गुजरात और हिमाचल की जीत ने ये सिद्ध कर दिया कि सारे देश में मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। उत्तर प्रदेश के नगर निगम नगर पालिका के चुनाव की शानदार जीत के बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाद, जिस तरीके से गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता ने आदरणीय मोदी जी के जो विकास का नारा है उसका साथ दिया है। हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी हिमाचल में और गुजरात में जो जीत दिलाई, हम लोगों के महिलाओं का सम्मान है। और हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग हैं, जनता का विकास और जनता का साथ हमेशा उनके साथ है। रूप से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता जो एक लहर है, ये चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि आज भी पूरे देश में बरकरार है। GST आम जनता को पसंद है, नोटबंदी आम जनता को पसंद है, एंटी इनकम्बेंसी का कोई रोल नहीं, विकास जनता को पसंद है। ये जीत, गुजरात की जीत और हिमाचल की जीत इस बात की सिद्ध करती है। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण जीत है और ये जीत वो जीत है जो ये कांग्रेस के लोग कयास लगा रहे थे कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, वो निरंतर बढ़ रहा है। और मोदी जी एक विकास पुरुष के रूप में हम सबके बीच रहे हैं और आगे भी जनता उनको विकास पुरुष मानती है, ये जनादेश ने सिद्ध कर दिया है। सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद। और मोदी जी की लोकप्रियता बार बार विपक्षी दल कसौटी पे कसते हैं और उस पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती है। गुजरात और हिमाचल की जीत मोदी जी के द्वारा लिए गए राष्ट्र के लिए जो निर्णय हैं और निर्णयों पे जनता ने अपनी सील लगाई और मोदी जी को बिजी बनाया। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो है, संगठन की मजबूती और मोदी जी के द्वारा राष्ट्र के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आज विजय गुजरात और हिमाचल में विजय श्री प्राप्त की। गुजरात की ऐतिहासिक जीत के लिए महिला मोर्चा समस्त गुजरात वासियों का, पूरे देश का धन्यवाद देता है। निश्चित तौर पर जो कांग्रेस तीन बागड़ बिल्लों को मिलाकर एक सपने देख रही थी कि गुजरात में जीतेगी, निश्चित तौर पर आज जनता ने बता दिया कि जातिवाद के आधार पर देश में या किसी भी राज्य में राज नहीं किया जा सकता। अगर विकास किया है तो निश्चित तौर पर जनता आपके साथ रहेगी। और इस जीत ने ये सिद्ध कर दिया कि जो इनकम इन्वेंसी थी वो कहीं भी नहीं है देश में। मोदी जी की जो लोकप्रियता है, आज ये सिद्ध हो गया कि ये मोदी जी देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने एग्जिट पोल करीब करीब सटीक बैठे हैं। जिस तारीख का माहौल कांग्रेस द्वारा बनाया गया था
कि व्यापारी के विरोध में बीजेपी है। प्रधानमंत्री जी जीएसटी और नोटबंदी के बाद के जो फैसले लिए गए हैं वो सार्थक हैं। गुजरात के व्यापारिक केंद्र सूरत और अहमदाबाद में जिस तरह की भाजपा ने जीत दर्ज की है, मैं व्यापारी भाइयों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ बढ़ता भारत के पूरे भारत के विकास के साथ हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे देश के प्रधानमंत्री की शान में। गुजरात देश में सरकार बनी, गुजरात में सरकार बनी और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी। सारे देश में माहौल है नरेंद्र मोदी जी का। यह देश जान गया है कि इस देश को विकास के पथ पर कौन ले सकता है। नरेंद्र मोदी जैसे नेता ना हुए हैं ना होंगे। भारतीय जनता पार्टी का परचम आने वाले चुनाव में सारे देश में लहराने वाला है। ये निश्चित रूप से साबित हो चुका है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य रूप से इस देश के और सारी विश्व के एक मजबूत नेता के तौर पे उभरे हैं। और कांग्रेस ने गुजरात में जिस तरीके से जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की, उस जातिवाद के जहर का अंत करते हुए अंत में विकासवाद की जीत हुई। इस प्रकार से गुजरात और हिमाचल में जो प्रकार कमल खिला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की जीत है। और गुजरात हिमाचल की जीत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के प्रति दमोह के कार्यकर्ताओं की तरफ से देखिए, ये विकास की जीत है। और जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, ये उस विकास की जीत है। और लगातार छठवीं बार गुजरात में सरकार का बनना, लोगों के द्वारा चुनना, ये प्रमाणित करता है कि विकास के आधार पर ही लोग मतदान करते हैं। विकास का मजाक उड़ाने की कोशिश कांग्रेस ने की और जो विकास का मजाक उड़ाया उसका जवाब गुजरात की जनता ने और हिमाचल की जनता ने दिया। दूसरा, यह भी स्पष्ट हो गया कि जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं वो 5 वर्ष में ही उनके विरुद्ध इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है कि दोबारा सरकारें चुन के नहीं आती। और जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो लगातार 15 साल 20 साल 25 साल तक लगातार राज्यों में सरकारें बन रही हैं। और